हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। ये मौनी रॉय इंस्पायर्ड मेकअप लुक। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं मौनी रॉय जैसा हल्का फुल्का जो मेकअप इन्होंने किया हुआ है, जिस तरह के इन्होंने ईयरिंग्स डाले हुए जो भी है, तो वो मैंने कोशिश की है। बट हाँ, मौनी रॉय जैसी तो मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, बट हाँ मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करना कि ये लुक मेरा कैसा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं करूँगी अपनी स्किन केयर। तो स्किन केयर मैं करूँगी तो मैं लगाऊँगी टोनर। ये है गुड वाइब्स का टोनर, ये आर्गन वाला टोनर था शायद। तो इससे हमारे पोर्स मिनिमाइज़ होते हैं, हमारे चेहरे पर अच्छा सा ग्लो आता है और हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। तो हम जो मेकअप करते हैं तो अच्छा सा उभर के आता है। और बस उसके बाद मैं लगाऊंगी सीरम। ये है NYBay का सीरम। इतना सा मैं खाली कर चुकी हूँ, आधे से ज़्यादा। तो ये विटामिन सी और विटामिन B3 वाला सीरम है। अगर जिसके एक्ने से जो दाग धब्बे रह गए हैं फेस पे, तो वो ये वाला सीरम ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके दाग धब्बे हल्के हल्के रिड्यूस होंगे और चेहरे पे एक चमक आएगी। तो मैं बस उसको अच्छे से लगा लूँगी। आप खुद देख लेना, मेरे चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है जब मैं मेकअप करने से पहले ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है। नहीं तो मैं डायरेक्ट मेकअप करेंगी तो वो रुखा रुखा सा लगता है। तो उसके बाद मैं लगाऊँगी यहाँ पर विटामिन ई वाली क्रीम। अब जैसे कि सर्दी आ रही है तो हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है, तो फिर हमारा जो मेकअप है वो ड्राई नहीं होता, पैची नहीं लगता। तो बस वो विटामिन ई वाली क्रीम लगा रही हूँ। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, तो उसको मैं अच्छे से लगा लूँगी। नेक पे भी लगाना है आपको। और उसके बाद मैं लगाऊँगी यहाँ पे ये है लोरियल का ये फाउंडेशन, सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन है। तो अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, ये मेरे स्किन टोन से एकदम मैच करता है। इसका शेड है गोल्डन बेज। और बस इसको मैं हाथ से भी ब्लेंड कर सकती हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड हो जाता है। मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, हाथ से भी अच्छे से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और ये शेयर कवरेज है इसकी, फुल कवरेज वाला मेकअप ये सॉरी फाउंडेशन नहीं है, ये वाला शेयर कवरेज है। रोज़ के मेकअप लुक या हल्के फुल्के मेकअप लुक में आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो बस को हाथ से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं मेरे हल्के फुल्के वो कवर हो जाए बस। तो उसके बाद इसको सेट करना ज़रूरी है। ये है मेबलिन का कॉम्पैक्ट, इससे मैं सेट कर लूँगी। आप कोई भी फाउंडेशन लगाओ, बीबी क्रीम लगाओ, आपको बस अपना मेकअप सेट करना ज़रूरी होता है। इससे आपका बेस सही से सेट होता है, उसके बाद अपना आई शेडो वगैरह यूज़ कर लो। तो बस इस एक स्पूली से मैं अपने आईब्रो को कॉम कर लूँगी, जो एक्सेस पाउडर होगा ना वो निकल जाएगा। तो अब मैं इसको आईब्रो को फिल करूँगी। ये वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट, और इसमें मैं ब्राउन कलर लेके, इसमें एक ब्लैक कलर भी है एक ब्राउन भी है, तो मैं ब्राउन कलर से ही फिल करती हूँ, मैं ज़्यादा ब्लैक नहीं करती। मौनी रॉय ने हल्की हल्की अपने आईब्रो को फिल की हुई है, तो बस मैं उनको देख के ही ऐसे कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ मैं आईब्रो को। तो हल्के हल्के हाथों से मैं बस फिल कर लूँगी। और बस आईब्रो फिल हो गई है, तो अब करेंगे ये आई लैशेज कलर से मैं लैशेज कर्ल कर लूँगी, जिससे हमारा ऐसा लगता है ना लैशेज एकदम अच्छी लगती है और वो ऐसा लगता है कि मस्कारा लगाया हुआ हो। तो बस लैशेज कलर से मैं कर लिया। अब स्केच लाइनर लूँगी, ये मैंने फॉल्सेस लगा ली है और अब मैं स्केच लाइनर लूँगी, इससे लाइन ड्रॉ करूँगी। उन्होंने थोड़ा सा मोटी मोटी लाइनर ड्रॉ की हुई है और एक विंग लाइनर, मतलब पतली सी जैसे विंग निकाली हुई है मैंने, जैसे किया ना इसमें वैसे। तो उन्होंने ज़्यादा आई शेडो वगैरह मुझे दिख नहीं रहा फ़ोटो में, तो आई शेडो मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया है। अब मैं लगाऊँगी काजल, उन्होंने हल्की हल्की से काजल लगाई हुई है लोअर लाइन पर। तो बस मैं हल्की हल्की काजल लगाऊँगी। ये काजल है स्टे करके की काजल, काजल अच्छी है इनकी। और बस मैं काजल अप्लाई कर लिया, ये मेरा आई मेकअप तो कंप्लीट है, बस अब मस्कारा लगाना बाकी है। बस मस्कारा लगाऊंगी, ये है मेबलिन का कोलोसल वाला मस्कारा, अच्छा मस्कारा है, ठीक ठाक कवरेज दे देता है। अब डेली में भी इसको यूज़ कर सकते हो और आप कोई मेकअप लुक कर रहे हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और ये मेरा आई लुक कम्प्लीट है, बस सिंपल से ही था उनका मेकअप लुक, मुझे इतना कुछ दिखा नहीं। अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी क्योंकि उनका फेस एकदम स्लिम है ना, और मेरा थोड़ा फेस मोटा मोटा है, तो कॉन्टोरिंग करनी ज़रूरी है ताकि मेरा भी फेस उनकी तरह स्लिम लगे।
तो बस मेरे पास कॉन्टोर पैलेट तो है नहीं, तो मैं ये आई शेडो के पैलेट से ब्राउन कलर लेके बस कॉन्टोरिंग कर रही हूँ हल्की हल्की हाथों से। और अब मैं लगाऊंगी ब्लश। उन्हें ज़्यादा ब्लश नहीं लगाया और ज़्यादा पिंक पिंक नहीं है, लेकिन हल्के से तो ब्लश है उनकी जो फ़ोटो में मेरे को जहाँ तक दिख रहा है। तो बस मैं ये ब्लश लगा लूँगी हल्का हल्का सा। और ये है लैक्मे का ब्लश 925। और ये मैंने कहीं हैक देखा था, ये है लैशेस कलर से, है ना, जैसे मोटे मोटे होठ दिखाने हो ना तो वैसे इनके ऐसे करके हम थोड़े होठ को थोड़े से ऐसे दिखा सकते, जैसे मौनी रॉय के होठ थोड़े से है ना उभरे हुए, तो उस टाइप से दिखाने के लिए मैंने बस ये कर दिया। अब मैं अपनी बिंदी लगा लूँगी और बस ऊपर से ऊपर की तरफ थोड़ी सी बिंदी, और मैंने सिंदूर लगा लिया। और ये इयररिंग्स जो उन्होंने जो इयररिंग्स पहने हो ना, इस तरह के इयररिंग्स है, तो बस ये डाल दिए मैंने। एक साइड मैंने अपने बाल कर लिए जो है फ़ोटो में दिख रहे हैं। बस आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।